What's up guys, welcome to a new video. मैं हूं आपका दोस्त Spark AK प्रमोद. कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे guys. और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू गेम की जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी आज से दो हफ्ते बैक, दैट इज वैलोरेंट. तो हम आज इसी गेम के बारे में बात करने वाले हैं. हम इस गेम के कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि इस गेम की रेजोल्यूशन कैसे रखी जाए, सेंसिटिविटी कैसी रखी जाए, इस गेम का ऑडियो कैसे सेट करा जाए, FPS, पिंग और वॉइस चैट, ये सारा का सारा हम कैसे सेट करें, ये सारा का सारा हमको स्क्रीन में कहाँ दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस. और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो. और गाइस ट्रस्ट मी, आपके मन में जो भी सवाल है रिगार्डिंग सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन एंड मेरा FPS कहाँ दिखना चाहिए, कितना पिंग आ रहा है, ऑल वो सब आपको एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इनटू दिस वीडियो. और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना टू अंडरस्टैंड कौन सी चीज़ कैसे काम करती है. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द गेम. सो हम सबसे पहली चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द रेजोल्यूशन. आप मेरी स्क्रीन पे जो रेजोल्यूशन अभी देख रहे हो दिस इज 1920x1080. तो जब आप गेम स्टार्ट करते हो आपको 1920x1080 का ही रेजोल्यूशन मिलता है. जैसे अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में जो ऊपर दो लाइंस देख रहे हो, यहाँ पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए, यू गो इनटू द वीडियो सेक्शन. यहाँ पे आपकी जो सेटिंग्स डिफॉल्ट सेट होगी दैट वुड बी 1920x1080. लेकिन ये मेरा मॉनिटर का मैक्स रेजोल्यूशन इज 1920x1080. अगर आपके मॉनिटर का मैक्स रेजोल्यूशन कुछ और है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया जाएगा. और इस रेजोल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ तब खेलना है जब आपका जो CPU है वो इतना पावर उठा सके, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना जो रेजोल्यूशन है उसको कम कर दीजिए. 1920x1080 डिफॉल्ट है, मैं इस पर नहीं खेलता. तो आप इन रेजोल्यूशन में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका PC कॉन्फिग क्या है, आपको कितना FPS चाहिए. अगर आप स्ट्रीम करते हो तो आपको लोअर रेजोल्यूशन पे खेलना चाहिए अगर आपका CPU इतना अच्छा नहीं है. लेकिन अगर आपका हाई एंड CPU है, हाई एंड CPU पे स्ट्रीम करते हो तो यू कैन प्ले 1920x1080, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. क्योंकि मैं स्ट्रीम भी करता हूँ वैलोरेंट और बेसिकली आई एम स्टिल अ न्यू प्लेयर. तो ये जो भी चीज़ें गाइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ वो मैंने खुद लेटली डिस्कवर किया. मैं ये गेम में काफ़ी न्यू हूँ तो जो जो चीज़ें मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, जिन जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो सोल्यूशन ढूंढने के बाद आई थॉट कि यार मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो ये वीडियो एक्जैक्टली उसी चीज़ के बारे में होने वाली है. तो गाइस ये बात हो गई हमारे रेजोल्यूशन के बारे में. अगेन रेजोल्यूशन एक बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंस है, हर एक इंसान अपने हिसाब से रेजोल्यूशन रखता है. तो आप अपने हिसाब से आपके CPU के हिसाब से रेजोल्यूशन सेलेक्ट करिए जैसे कि मैंने आपको बताया. अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो आप वीडियो सेटिंग्स रखते हो तो उसको इस तरीके से कैसे रखें कि हमारा FPS हमको अच्छे से अच्छा मिले और लैग ना हो गेम के अंदर. तो अगर आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट करते हो, रेजोल्यूशन सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्राफिक्स क्वालिटी में आना है. ग्राफिक्स क्वालिटी में गाइस अगर आपका PC काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई बिल्ड PC है, तो आपको सबको हाई टिक करना है. मैंने यहाँ पे मीडियम टिक करा हुआ बिकॉज मेरा CPU मीडियम काइंड ऑफ ग्राफिक्स हैंडल कर लेगा इंक्लूडिंग माय स्ट्रीम्स. तो मैं इसको मीडियम रखता हूँ. एंड यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को ऑफ रखा गया है. एंड देन एंटी अलाइजिंग मैंने इसको 4x रखा गया है. एंड एंटीस्टॉपिक फिलिंग को आप अगर आपका PC अच्छा है तो आप 16x रख सकते हो. अगर आपका डिसेंट PC है देन यू कैन कीप इट अराउंड 4 and 8, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको 16x पे ही रखिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्रूव क्लैरिटी, येस ग्लूम, येस डिस्टॉर्शन एंड फर्स्ट पर्सन शेडोज, ये सब येस ही रखा है मैंने, दैट इज़ ऑन ही रखा है मैंने इन सबको. एंड ये हो गई हमारी रेजोल्यूशन की बात. अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे स्क्रीन के लेफ्ट में आपको ऊपर दिख रहा होगा कि गाइस हमको FPS सब का सब डिटेल दिख रहा है हमको गेम के बारे में. जो अगर आप नॉर्मली गेम स्टार्ट करते हो ना, न्यू गेम जब आप स्टार्ट करते हो आपको स्क्रीन पे ये सब कुछ नहीं दिखता है. तो अगर आपको ये सब गेम के अंदर देखना है आपको FPS कितना आ रहा है, आपका पिंग क्या है, तो आपको बेसिकली आना है यहाँ पर वीडियो में. आने के बाद आपको आना है स्टैट्स में. यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई है कि आपको क्लाइंट FPS मतलब FPS कितना मिलेगा, सर्वर कौन से टिक रेट का है, टोटल फ्रेम टाइम क्या है, आपकी CPU की डिटेल्स और आपको कितना पैकेट लॉस और कितना पिंग है जो गेम के अंदर आपको दिखेगा स्क्रीन के लेफ्ट में ऊपर. ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन, ये गेम के अंदर भी आपको दिखेगा. तो आइए सेटिंग्स में फिर से कम इनटू दिस वीडियो सेक्शन, कम इनटू स्टैट्स एंड यहाँ पे टेक्स्ट ओनली सबको सिलेक्ट कर दीजिए. सिलेक्ट करने के बाद उसको क्लोज कर दीजिए तो आपको स्क्रीन के लेफ्ट में ऊपर ये सारा का सारा दिखेगा. ये हमने बात करी कि हमको अपनी FPS पिंग और सब कैसे दिखे गेम के अंदर. तो दैट वॉज अबाउट द रेजोल्यूशन पार्ट. अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं गाइज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं खुद काफ़ी अटका था जब मैंने गेम स्टार्ट की थी. मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करूं, मतलब मैं एक CS:GO प्लेयर हूं तो मुझे पता नहीं था कि जब मैं CS:GO से वैलोरेंट शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए गाइस. तो बेसिकली यहां पे मेरी सेंसिटिविटी इज़ 0.56. लेकिन आप कोई भी रैंडम सेंसिटिविटी रख नहीं सकते. अगर आप कोई CS के प्लेयर हो या अगर आप कोई PUBG के प्लेयर हो तो कौन सी सेंसिटिविटी आपके लिए अच्छी है वो फाइंड आउट कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ गाइस. तो गाइस वैलोरेंट के अंदर आपको अपनी CS:GO की सेंसिटिविटी कन्वर्ट करके कैसी रखनी है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे. तो आपको CS:GO की सेंसिटिविटी अगर फाइंड करनी है वैलोरेंट के अंदर तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है गाइस. दैट इज़ आपकी CS:GO में जो भी सेंसिटिविटी है उसको टाइप करिए, देन उसको डिवाइड करिए 3.1
8 के साथ आपका जो भी नंबर आता है गाइस वो आपको सेंसिटिविटी वैलोरेंट के अंदर रखनी है। जैसे अगर आपकी 400 डीपीआई पे इन गेम सेंसिटिविटी 2 है सीएसगो के अंदर, तो आपकी वैलोरेंट के अंदर होनी चाहिए 0.62। सिमिलरली गाइस मेरी काउंटर स्ट्राइक में सेंसिटिविटी है 1.8, तो अगर मुझे 1.8 जैसी सेंसिटिविटी वैलोरेंट के अंदर चाहिए तो मुझे उसको डिवाइड करना होगा 3.18 के साथ, तो होना चाहिए 0.56। और अभी आप मेरी इन गेम सेंसिटिविटी वैलोरेंट में एक्जैक्टली वही देख सकते हो जो मैंने आपको अभी समझाई, दैट इज 0.56। ये वही सेंसिटिविटी है मेरी जो CSGO में भी होती है। तो जो नेक्स्ट चीज हम लोग आफ्टर सेंसिटिविटी बात करने वाले हैं, दैट इज स्कोप्ड सेंसिटिविटी मल्टीप्लायर। बेसिकली आप जब भी स्कोप करते हो गाइस कोई भी स्नाइपर राइफल को, तो जब आप स्नाइपर राइफल को स्कोप करते हो तो उसकी सेंसिटिविटी भी काफ़ी मूव होती है। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिस में आपको समझाता हूँ गाइस ये चीज़ कैसे वर्क करती है। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ सो दैट आपको क्लियर इंडिकेशन मिले कि जूम सेंसिटिविटी एग्जैक्टली क्या होती है। आई एम श्योर अगर आप सीएस में से आ रहे हो तो आपको जूम सेंसिटिविटी के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये बाय मेन्यू है, तो इसमें आपको ऑपरेटर लेनी है जो सबसे हैवी स्नाइपर राइफल है, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना आर्मर लेना है। अभी जूम सेंसिटिविटी गाइस क्या होती है, जब आप कंट्रोल्स में, जब आप जनरल में आते हो, अगर आपकी जूम सेंसिटिविटी समझिए 1 है, तो जब आप स्कोप करते हो ना गाइस, तो आपकी सेंसिटिविटी 1 के आसपास होती है करस्पॉन्डिंग टू द सेंसिटिविटी यू हैव। अगर आप इसको और लो कर देते हो, अगर आप इसको 1 रख देते हो, तो देखिए माउस घूम ही नहीं रहा मेरा। ये देखिए मेरा माउस ज़रा सा भी नहीं घूम रहा, इसीलिए इसको प्रिफरेबली गाइस 1 रखिए। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इसको डिफॉल्ट ही रहने दीजिए जो आपका हमेशा से था। मैं इसको 1 रखता हूँ, या इसको आप 0.9 भी रख सकते हो, 0.9 से लेके 1 तक इसको रखिए गाइस, ज़्यादा इसको शिफ्ट मत करिए। आई गेस दिस वर्क्स फाइन, मेरे लिए तो 0.9 से लेके 1 तक ही है, तो आप इसको अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो रख सकते हो। तो ये हमने बात कर ली जूम सेंसिटिविटी के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, वो है ऑडियो। ऑडियो कैसे रखना है, पुश टू टॉक कैसे करना है, बात कैसे करना है। ये मैं अपना रेजोल्यूशन ज़रा फिर से वही रख दूँ जो मेरा हमेशा से था। तो हमने रेजोल्यूशन ये है गाइस 1280x960, जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं। इससे 4x3 खेलने से आपकी FPS बेटर मिलती है आपको, जैसे आप मेरे लेफ्ट में ऊपर देख सकते हो मेरे FPS थोड़ा सा बेटर है। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं गाइस गेम के बारे में, दैट इज़ द ऑडियो ऑफ द गेम। आपको गेम में ऑडियो कैसा चाहिए, कौन सी चीज़ का ऑडियो आपको चाहिए, कौन सी चीज़ का ऑडियो आपको नहीं चाहिए, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप आओगे साउंड में, यहाँ पे आप देख सकते हो सब डिफ़ॉल्ट है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सिर्फ एक चीज़ मैंने यहाँ बंद रखी है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड में इस गेम का कोई भी आवाज़ नहीं चाहिए था। तो अगर आपको सब चाहिए तो आप इसको भी फुल कर दीजिए। अब मेरे बैकग्राउंड में आपको गेम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये देखिए जो आपको अभी सुनाई दे रही है हल्की सी, यू नो एक बैंड जैसी आवाज़ आ रही है, तो ये आपको सुनाई दे रही होगी। इसको हम फिर से बंद कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने गाइस इन सब को फुली रखा है। अब हम वॉइस चैट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली डिफ़ॉल्ट मतलब ये वही चूज़ करता है जो आपके CPU में प्लग इन है, जो कि मेरा हेडफोन मेरा प्लग इन है, तो ये डिफ़ॉल्ट डिवाइस वही आ रहा होगा। तो मैंने इसको कुछ सिलेक्ट नहीं किया, मैंने उसको वही रखने दिया। इनपुट भी मैंने वही रखा है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। इनकमिंग वॉल्यूम मतलब आप जिसका आवाज़ सुन रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा चाहिए आपको तो उसका अकॉर्डिंगली आप इनकमिंग और कम ज़्यादा कर सकते हो। आपके माइक का वॉल्यूम मतलब आप कितना बात करते हो, आपके माइक का प्रेशर कितना है, बूस्ट कितना है, वो सब आप माइक वॉल्यूम से ऊपर या नीचे कम या ज़्यादा कर सकते हो। लूप बैक टेस्ट को मैंने ऑफ रखा है। माइक सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड को भी मैंने डिफॉल्ट ही रखने दिया है। पार्टी वॉइस चैट मतलब गाइस जब भी आप यहाँ पे लॉबी में होते हो, फिलहाल तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं खेल रहा है, लेकिन जब भी आप अपने कोई फ्रेंड के साथ खेलते हो तो लॉबी के अंदर जब आप कुछ बात करते हो तो वो अगर आपको सुनना है तो उसको ऑन रखिए, अगर आप उसको नहीं सुनना चाहते हो तो उसको ऑफ रखिए। और अगर पार्टी वॉइस ड्यूरिंग कस्टम गेम्स मतलब जब आप कोई कस्टम खेलते हो 10 लोग के साथ, उस टाइम पे अगर आपको सबकी आवाज़ सुननी है जो कस्टम में बैठे हो तो उसको ऑन करिए, नहीं तो उसको ऑफ करिए। मैंने यहाँ पे फिलहाल सबको ऑफ रखा है गाइस, क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड पे खेलता हूँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। अभी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि जब आप गेम के अंदर खेलते हो तो आप पुश टू टॉक करोगे, मतलब जब आप बटन प्रेस करोगे तभी आपका आवाज़ है, या कंटिन्यूसली आपको आवाज़ चाहिए। मैं रखता हूँ पुश टू टॉक, जो मुझे बात करनी होती है मुझे सिर्फ वही करनी है, बिना मतलब मैं ऑटोमेटिक नहीं रखूँगा, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड का आवाज़ भी पूरा का पूरा वहाँ तक चला जाएगा, इसलिए मैंने पुश टू टॉक रखा है। अब पुश टू टॉक को कौन सी की के साथ बाइंड करना है गाइस, मैं अभी आपको वो चीज़ समझाता हूँ। पुश टू टॉक के लिए गाइस आपको सबसे पहले आना है कंट्रोल्स में, फिर आपको आना है यहाँ कम्युनिकेशन में, देन आपको पुश टू टॉक किस लेटर के साथ उसको बाइंड करना है, वो लेटर पे यहाँ पे जाइए, यहाँ पे उसको क्लिक कर दीजिए। ये हो गई हमारी ऑडियो सेटिंग्स गाइस, बाकी ये सब की सब मैंने डिफॉल्ट रखी है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करी है। तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, दैट वुड बी क्रॉस एयर। क्रॉस एयर बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में, बिकॉज जब आप गेम खेलते हो आपका डिफॉल्ट क्रॉस एयर अच्छा नहीं होता, इसलिए
मैंने ये अपने लिए क्रॉसहेयर बनाया है, अगर डिपेंड करता है अगर आपको बड़ा क्रॉसहेयर चाहिए होता है गेम के अंदर या छोटा क्रॉसहेयर चाहिए। मुझे मीडियम साइज का क्रॉसहेयर चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉसहेयर कुछ इस तरीके का बनाया है गाइस। आउटलाइन ओपेसिटी सबसे पहली जो चीज़ है हम उसके बारे में बात करेंगे, विच मीन्स क्रॉसहेयर को ध्यान से देखोगे गाइस तो उसके बाहर से हल्का सा ऐसा ब्लैकनेस आ रहा है। ये देखिए, पहले मैं इसको कम कर देता हूँ तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो हल्का सा ब्लैक होगा। ये आपको जब आप ब्राइट जगहों पे फाइट लोगे तो हल्का सा बेनिफिट देगा, बिकॉज हल्का सा उसमें ब्लैकनेस है जो आपको एकदम ब्राइट फाइट्स में थोड़ा बेटर करेगा। ये बेसिकली थिकनेस है, कितना आपको आउटलाइन का थिकनेस, जो ये ब्लैक चीज़ है इसको आपको कितना थिक रखना है। आई ऑलवेज ट्राई एंड कीप इट लो बिकॉज मुझे इतना थिकनेस नहीं चाहिए, आई ऑलवेज कीप इट लो। एंड देन सेंटर डॉट, सेंटर डॉट बेसिकली गाइज आपके क्रॉसर के बीच में आपको ये डॉट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप सीएस के प्लेयर होंगे तो काफ़ी लोग सीएस में भी डॉट रखना पसंद नहीं करते हैं। वेल अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आपको डॉट चाहिए तो आप ज़रूर डॉट रखिए, मैं उसको हमेशा ऑफ रखना पसंद करता हूँ। और उसके बाद जो ये दो सेटिंग्स आती हैं, सेंटर डॉट ओपेसिटी, सेंटर डॉट थिकनेस, इट्स ओनली फॉर पीपल हु कीप सेंटर डॉट, दैट इज़ अगर आप उसको ऑन रखते हो तो ही इसकी सेटिंग्स नीचे की काम की हैं। अगर आप उसको ऑन रखते हो विच मीन सेंटर डॉट की थिकनेस क्या है, अगर आपको उसको ज़्यादा मोटा रखना है तो ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा मोटा है, नहीं तो कम करेंगे तो उसको एकदम नहीं दिखेगा, एकदम पतला हो जाएगा, एकदम काला पड़ जाएगा। ये देखिए फेयर क्रॉसहेयर विद फायरिंग एरर, इसको ऑफ रखिएगा। इस एंड शो स्पेक्टेटेड प्लेयर्स क्रॉसहेयर, दिस इज बेसिकली आप जिसको स्पेक्टेट कर रहे हो उसका क्रॉसहेयर आपको देखना है या नहीं, तो इसको भी ऑफ करिए। अब आते हैं गाइस इनर लाइंस मतलब बेसिकली जो क्रॉसहेयर का अंदर का पार्ट है उसकी ओपेसिटी, मतलब कितना ज़्यादा विजिबल और कितना ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए। अगर आपको उसकी ओपेसिटी कम रखनी है तो उसको आप कम रख सकते हो, मैं उसको फुली रखता हूँ बिकॉज मुझे कम ब्राइटनेस वाली जगह में और हायर ब्राइटनेस वाली जगह में दोनों में ही सेम काइंड ऑफ क्रॉसहेयर रखना पसंद है और सेम काइंड ऑफ विजिबिलिटी चाहिए। और आउटर लाइन लेंथ मतलब बेसिकली गाइस क्रॉसहेयर की साइज़ अगर आपको जाननी है कौन सी रखनी है तो उसका बेसिकली मतलब होता है आउटर लाइन लेंथ, जितना बड़ा करोगे उसकी साइज उतनी बड़ी होगी, जितना छोटा करोगे इट वुड बी स्मॉल, में उसको रखना पसंद करता हूँ अराउंड 5, दैट वर्क्स गुड फॉर मी। और इनर लाइन थिकनेस मतलब गाइस बेसिकली क्रॉसहेयर की थिकनेस क्या होनी चाहिए, अगेन मैं यहाँ पे उसको रखना पसंद करूँगा अराउंड 3, दैट अगेन वर्क्स फॉर मी, इनफैक्ट आई वुड कीप इट अराउंड 2 ओनली, येस दैट वर्क्स फॉर मी। इनर लाइन ऑफसेट बेसिकली मीन्स गाइज कि आपके क्रॉसर के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है या कम। अब अगर आपको बड़े क्रॉसर्स पसंद है, बड़ा गैप रखना पसंद है तो आप इसको हाई कर सकते हो, उसको आगे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, मैं उसको रखता हूँ 3 बिकॉज मेरे लिए इतना वर्क करता है। मूवमेंट एरर ऑफ रखिए, फायरिंग एरर भी ऑफ रखिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज मैंने ये सब सेटिंग्स अभी तक कुछ भी टेस्ट नहीं किए तो मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आपको क्रॉसर का कलर अलग रखना है तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, जैसे कि वाइट क्रॉसर रहता है, ग्रीन रहता है, येलो ग्रीन रहता है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ येलो एंड ग्रीन, देन इज ग्रीन येलो अगेन, देन इज येलो विच हैव की सियान, आई डोंट नो, पिंक, रेड एंड ऑल दिस क्रॉसेस। काफ़ी लोग रेड क्रॉसर रखना भी पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है ज़्यादा ब्राइटनेस वाली जगहों पे रेड काम आता है, बट मुझे लगता है कि जहाँ पे डार्कनेस या जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है कलर का वहाँ पे मुझे लगता है रेड कभी कभी विजिबल नहीं रहता, इसलिए मैं हमेशा येलो प्रेफर करता हूँ विच इज़ ऑन द सेफर साइड। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप ये क्रॉसर एक बार डेफिनेटली ट्राई करिए और ये ट्राई करने के बाद कुछ मैचेस खेलिए, और अगर आपका क्रॉसर वर्क करता है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि आपके लिए ये क्रॉसर कैसा साबित हुआ। तो गाइस हमारा ये वीडियो यहीं तक था, ये वीडियो काफ़ी बेसिक था उन लोग के लिए जो अभी इस गेम को खेलना शुरू करते हैं, शुरू खेलने का सोच रहे हैं, जिनको इस गेम की सेटिंग्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ये वीडियो बेसिकली एक एक ट्यूटोरियल वीडियो था जिनको इस गेम के बारे में और सीखना है या जिनको इस गेम की सेटिंग्स के बारे में सीखना था। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो में गाइस मज़ा आया रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन हिट करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, और मैं इस गेम के बारे में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्टिल न्यू हूँ एंड आई एम एंजॉइंग द गेम। और हाँ गाइस मैं इस गेम को डेली लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, तो डेफिनेटली एक बार मेरे चैनल को चेकआउट करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी ओपिनियंस और रिव्यूज जरूर बताइएगा गाइस कि आपके लिए अगर कोई चीज़ वर्कआउट करती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, रियली अप्रिशिएटेड, लव यू, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।